देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं बीपीएससी ऑफिस के पास। आपको बता दें कि बीपीएससी के छात्र जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना कॉलेज से उनका प्रदर्शन निकला और निकलने के बाद वो आप मुसल्लेपुर हाट हो गए, बिकना पहाड़ी हो गए और आपको हड़ताली मोड़ पहुंचते पहुंचते पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दी गई, जिसमें काफी सारे छात्र भी जो है घायल हुए। पुलिस लगातार समझा रहे थे कि आप लोग आगे ना बढ़े, मगर छात्र कहीं ना कहीं मान नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी आप देख सकते हैं पटना के बीपीएससी ऑफिस के सामने का नजारा, आप देख सकते हैं लगातार पुलिस और छात्रों के बीच बहसबाजी हो रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से छात्रों और पुलिस के बीच जो है लगातार बहसबाजी हो रही है, किस तरह से जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी ऑफिस के सामने। पटना का बीपीएससी ऑफिस है ये, बिहार लोक सेवा आयोग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस भी किस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। हाथों में लाठियां, हेलमेट पहन के बिल्कुल पुलिस मौजूद है कि कहीं छात्र थोड़ा सा भी उग्र होंगे, जिस तरह से लाठियां चली है उस तरह से लाठियां चल सकती है। यहाँ पे छात्र भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी हैं काफी तादाद में, लाठियां भी चली हैं। लगातार जो है महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे खड़ी हैं। आप देख रहे हैं लगातार लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं महिलाएं जो है यहाँ पे बात मानने के लिए तैयार है नहीं। बीपीएससी आयोग इन लोगों के साफ तौर पर यही मांग है कि परसेंटाइज जो है वो लागू नहीं होना चाहिए और दो शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना चाहिए। उनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि जिस तरह से लाठियां चली, आप लोगों पे लाठियां भी चली है? नहीं, अभी तक तो लाठी चार्ज नहीं हुआ है। हड़ताली मोड़ पे बहुत सारे छात्रों पे लाठी चली है, जो घायल हुए। तो ये सरासर गलत है ना, गलत करेगा कोई, मार खाएगा कोई, बताइए। ये लोकतंत्र है, हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक तरीके जो संविधान बनाया और उसमें ये जो प्रोविजन बनाया कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर ईमानदार और पारदर्शी लोक सेवकों की भर्ती होगी, आप खुद अपनी आंखों से देखिए, इतने सारे सबूत भरे पड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती और एकदम करप्शन को लीगलाइज किया जा रहा है। सारे दुनिया जानती है कि तमाम तरफ खुलेआम सेटिंग हो रहा है और बीपीएससी जो है, जो मतलब इन लोग अपना जो नोटिस जारी किया उस नोटिस के अगेंस्ट सब जाके काम कर रही है। हमारा विरोध उसी के लिए है ना, में एग्जाम लिया जाएगा और प्लस परसेंटाइल सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं हम लोग इसी के विरोध में यहाँ पर आए हुए हैं और ये नहीं होगा। अगर इससे भी अतुल प्रसाद नहीं मानेंगे तो हम लोग कोर्ट मूव करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे छात्रों का साफ कहना है कि अगर नहीं मानेंगे तो कोर्ट मूव किया जाएगा। लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने काफी तादाद में है, हड़ताली मोड़ पे लाठियां भी चली, क्या कुछ कहेंगे इस पर? लाठियां बंद कीजिए, अब उसका जो परसेंटाइल सिस्टम है उसको लागू नहीं होने देना है और दो शिफ्ट में एग्जाम करके भ्रष्टाचार और बढ़ाएगा। आखिर परसेंटाइल सिस्टम से कहां पे दिक्कतें आ रही है? अरे वास्तविक नंबर है उसे रिजल्ट दीजिए ना, वास्तविक नंबर हम जब लाने को तैयार है तो फिर नकली नंबर पे क्यों, आभासी नंबर पे क्यों? दो शिफ्ट में क्यों नहीं आप एग्जाम देना चाह रहे? दो शिफ्ट में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, भ्रष्टाचार उससे बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा जी, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि दो शिफ्ट पे जो है एग्जाम नहीं देंगे, अगर दो शिफ्ट पे एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लाठियां चल रही है वो सरासर गलत है। आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में जो है छात्र मौजूद है, लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बीपीएससी ऑफिस के सामने जो घेराव कर चुके हैं। आप देख रहे हैं पुलिस भी समझाने की कोशिश कर रही है, पुलिस भी इधर पूरी तरह से तैनात है और छात्रों से बात कर रही है, समझा बुझा के उन्हें वापस जो है जाने की कोशिश कर रही है। आपको साफ तौर पर बता दें कि लगातार जो है लाठियां चली थी हड़ताली मोड़ पे, जिसको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है लाठियां चलाई गई थी। छात्र जो है उग्र हो चुके हैं, छात्र में जो दिलीप वो भी पिट आ गए हैं, पिट के छात्रों का ऐसा कहना है कि उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। इसी तरह की खबरों के साथ अब कशिश न्यूज के साथ बने रहे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।